बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से आलूओं के स्नैक्स की रेसिपी लेके आए हैं। बहुत ही क्रिस्पी से बनते हैं ये और बहुत ही ज़्यादा चटपटे से, चटखानेदार से और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली ये रेसिपी है। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया किए बगैर अपने किचन में चलते हैं और ये क्रिस्पी से फ्राइड पोटैटो बनाना शुरू करते हैं। तो फ्राइड पोटैटो बनाने के लिए हमने ये 1/2 kg आलू ले लिए हैं। थोड़े छोटे साइज़ के आलू हैं तो इनको पहले हम बॉईल कर लेते हैं। तो हम इनको उतनी देर तक बॉईल करेंगे कि ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। आप चाहें तो बड़े आलू भी ले सकते हैं और इससे भी छोटे जो आलू होते हैं वो भी आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं ये और शाम की चाय के साथ तो बहुत ही ज़्यादा ये मज़ा देते हैं। तो आलू जो है हमारे तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये बॉयल हो चुके थे क्योंकि ये छोटे आलू थे। अब हम इनको छील लेते हैं और फिर बीच में से इनको कट करके दो हिस्से कर लेते हैं इनके। अगर आलू आपके छोटे हों तो आप उनको सिर्फ बॉयल करके छील लें। तो आलू जो है हमारे छिल चुके थे, अब इनको हम बीच में से दो हिस्सों में कर लेते हैं कट करने के बाद। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाने वाली है। और आजकल तो नया आलू आ रहा है जो कि खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो आलू जो है हमारे कट हो चुके थे, अब इनको पहले हम ड्राई कर लेते हैं। तो टिश्यू पेपर से इसको ड्राई कर लेना है कि इसका जो पानी वगैरह है बिल्कुल इसमें से खुश्क हो जाए। अब ये हमने चावलों का आटा ले लिया है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर कॉर्नफ्लोर वगैरह भी डाल सकते हैं अगर चावल का आटा आपके पास नहीं हो तो। तो 2 खाने के चम्मच ये चावलों का आटा लिया था हमने और इसको चटपटा से स्पाइसी सा बनाने के लिए 1/2 चाय का चम्मच इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें डाल दी हैं। और ये चाट मसाला ले लिया है हमने 1 चाय का चम्मच। अब इसके अंदर ये नमक डाल देते हैं 1 चाय का चम्मच और थोड़ी सी ओरिगानो की पत्तियाँ। और इसको थोड़ा सा कलरफुल करने के लिए इसके अंदर हम थोड़ा सा दर्दिया कलर भी डालेंगे। तो पहले हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद फिर इसके अंदर थोड़ा सा दर्दिया कलर डाल देंगे। तो इससे थोड़ा सा ये इनके ऊपर कलर आ जाएगा, फ्राई होने के बाद ये खूबसूरत भी लगेंगे। ये दर्दिया कलर डाल के भी इसको मिक्स कर लेते हैं। और ऑयल को जो है हमने गर्म करने के लिए रखा हुआ है। आलू जो है हमारे गले हुए हैं, इनको गलाने की ज़रूरत नहीं है, बस इनको फ्राई करना है इतनी देर तक जब तक कि ये क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं। तो अगर फ्राइड आलू की रेसिपी आपको पसंद आ रही है और आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाए करें। इससे फ्यूचर में आने वाली तमाम रेसिपीज़ आपको आसानी मिल जाती हैं। देखें, ऑयल जो है हमारा गर्म था, इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने फ्राई करना है आलुओं को। बहुत अच्छा से इनके ऊपर कलर आ रहा है, बहुत अच्छे तरीके से ये फ्राई हो रहे हैं, बहुत ही क्रिस्पी से और बहुत ही यमी से, चटखारेदार से। और आलू जो हैं बच्चे बड़े सभी बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। सबसे ज़्यादा शौक से खाई जाने वाली ये सब्ज़ी है कि जिसको कि कई तरह से बनाया जाता है, कई तरह के स्नैक्स भी बनाए जाते हैं और इसको कई तरह की डिशेस में भी इस्तेमाल किया जाता है आलूओं को। तो इस तरह से बहुत ही क्रिस्पी से हमारे ये फ्राइड पोटैटो जो हैं रेडी हो चुके हैं। तो इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप शाम की चाय के साथ या फिर हल्की फुल्की सी भूख में, क्योंकि सर्दियों के मौसम में बार बार भूख लगती है। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को झटपट से ज़रूर बनाइए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको फ्राइड पोटैटो की रेसिपी कैसी लगी। और आप हमें इजाज़त दें और मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करते रहें। अल्लाह हाफिज़।